तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप 2 दिन या 4 दिन में या 10 दिन में कोई कंपनी ज्वाइन करके छोड़ देते हो और वहाँ पे पीएफ की डिटेल आपकी आ जाती है तो क्या आप किसी नेक्स्ट कंपनी में जाते हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि जो कंपनी हम लोग छोड़ते हैं या कंपनी रिजाइन करते हैं तो कम से कम उस कंपनी में आपको 6 महीने हो जाने चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो छः महीने के बाद में ही वैलिड होता है, 6 महीने के पहले आपका एक्सपीरियंस लेटर वैलिड नहीं होता है, वो इस वजह से बोलते हैं। अब रही बात वो कंपनी छोड़ने के लिए, अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी और 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप कंपनी छोड़ना चाहते हो या स्विच करना चाहते हो, तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि उनके डॉक्यूमेंटेशन में ही वो 10-15 दिन लग जाता है कि आपका पीएफ अकाउंट उनके पास लिंक नहीं हो पाता है। और कई बार अगर वो लिंक हो भी जाता है तो नेक्स्ट कंपनी में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब आप 6 महीने बाद छोड़ रहे हो तब भी वही है और 1 महीने बाद छोड़ दी तब भी वही है। बट ये है कि वो क्लैरिफिकेशन मांगते हैं या इंटरव्यूअर हो सकता है पूछ लेता है या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम भी वो पूछ लेते हैं कि इस कंपनी में आपने कितने दिन काम किया, उसके वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। अगर आपको इन सब झंझट से बचना है तो जब आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करना, आपकी उस कंपनी की डिटेल ही मत देना, उस कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मत देना, ना तो ऑफ़र लेटर अपलोड करना, ना एक्सपीरियंस लेटर या जो भी मिले हों आपको डॉक्यूमेंट्स, वो उस पर अगर अपलोड नहीं करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात HR एंड से या इंटरव्यूअर के एंड से, तो नॉर्मली वो पूछ लेते हैं, अगर आपने बता दिया तो ही उनको पता चलता है, अगर आपने नहीं बताया तो उनको पता नहीं चलता है। ये तभी चेक होता है जब वो HR चेक करते कि एक वहाँ पे वो दिखाता है और उससे HR को आपके उस कंपनी से या उस PF नंबर से उसे कोई भी मतलब नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता। तो आप ये चीज़ भूल जाओ और दिमाग से निकाल दो कि आपने 10 दिन में या 15 दिन में कंपनी चेंज कर दी तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और रही बात बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको कोई मतलब ये नहीं होता है आपने 10 दिन में छोड़ी, 15 दिन में, 20 दिन में, बस आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो सारे अच्छे होने चाहिए, बस अच्छे इन द सेंस कि सारे ओरिजिनल होने चाहिए, बस ये होने चाहिए और इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। दोस्तों ऐसे मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने 10 दिन में कंपनी छोड़ दी, मैंने 15 दिन में कंपनी छोड़ दी तो कोई नेक्स्ट कंपनी में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ना HR को मतलब होता, सीधी सी आप लैंग्वेज में समझो, ना HR को मतलब होता आपने 10 छोड़ दिए हैं कि 20 कंपनी छोड़ दिए हैं आपका इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद, इंटरव्यू में सलेक्शन दैट्स अ फाइनल, और उसके बाद ना BGB में प्रॉब्लम ना HR के अंदर से प्रॉब्लम, अगर आपने बता दिया है तो ही वो सारी चीज़ें पूछेंगे, बस इतना सा है, आप उतना सा मतलब समझो और जितना भी दिमाग में कन्फ्यूजन भरा है वो सारा निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।